अब बात कर लेते हैं इनका शुभ रंग कौन सा था। शुभ रंग होता है इनका श्वेत। अच्छा, समुद्र का जो हल्का रंग होता है ना हरा, समुद्र का जो रंग होता है वो भी रंग होता है इनका, और हल्का सा नीला भी होता है, जो आसमानी कलर बोलते हैं ना इसको, स्काई कलर भी बोलते हैं, वो भी होता है। मोती रतन इनके लिए बड़ा शुभ होता है। मोती मिल जाए आपको, शिव का अच्छा मोती मिल जाए, बहुत सारे मोतियों की आजकल वैरायटी आती है, बसरा का मोती कहा गया, बसरा का मोती मिल जाए 9.25 रत्ती का, रोग निवारण के लिए चांदी के उसमें गले में धारण कर लो। मोती आपको चांदी से कूल कंडक्टर भी, और मोती आपको फायदा भी दे रहा, बहुत फायदा दे रहा। अब बात कर लेते हैं महा उपाय की। एक ऐसा महा उपाय, अगर आपकी कर्क राशि है, आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। अब क्या लगाना है, एक या तो चांदी का पात्र ले लो, उसमें जल भर के रखो, और नॉर्थ वेस्ट में पुष्प डालो, श्वेत पुष्प डालो, नीले या जैसे हमने आसमानी कलर के बताए, वाइट भी आते हैं आजकल, क्रीम कलर के भी आते हैं, नॉर्थ वेस्ट चांदी का पात्र, नहीं तो कांच का पात्र ले लो, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दो, फिर पुष्प भर दो, दोनों बातें, चांदी आ गई ना वहाँ। और अगर आप पूर्णमासी को उपवास करें और नॉर्थ वेस्ट में 125 ग्राम का चंद्रमा बनवाएं, उस पर लिखवाएं ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, और नॉर्थ वेस्ट में अपने घर में टांग दो, जो भी व्यक्ति कर्क राशि का होगा उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, रोग निवारण में सहायता होगी, बहुत जल्दी उसका रोग ठीक होगा, बहुत जल्दी रोग ठीक होगा, और उसको लक जो परसेंटेज है वो बहुत हायर चली जाएगी, बहुत हायर चली जाएगी लक परसेंटेज। उसको स्मरण जो शक्ति है ना बच्चों के लिए, जो पावर है वो बहुत तीव्र होगी, तो उन्हें याद ज़्यादा रहेगा। ये बड़ा सरल सा उपाय है, महा उपाय में बताया हमने आपको, इसको करके देखिए।